दोस्तों, ये बाइक कहीं से आ रहे थे, चलते चलते अचानक रास्ते में बंद हो गई और फिर जब उसका करंट चेक किए करने लगे तो करंट गायब हो गया। तो ऐसे में हमारे पास जब आया तो रात का समय था, फिर भी लाइट नहीं था, फिर भी हमें काम करना पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना आप सभी को भी इसकी जानकारी दूँ। तो इसमें यानी कि करंट की प्रॉब्लम है, तो मैंने जो इस वीडियो में बताया है सारी जानकारी दी है इस वीडियो में कि कौन सा वायर किस तरीके से चेक करना है, किस कलर का वायर हमें देखना है और इसका क्या समस्या है, उसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला है, तो इस वीडियो में आप देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्लग होल्डर खोल के यहाँ से करंट दिखा देता हूँ कि करंट दे रहा कि नहीं दे रहा, क्योंकि हमें भी देखना है। तो देखिए, जैसे हम किक मार रहे हैं तो यहाँ पे करंट बिल्कुल भी नहीं दे रहा। हमारा स्विच भी स्विच ऑन है, इग्निशन स्विच बिल्कुल ऑन है, तो वहाँ से करंट बिल्कुल नहीं दे रहा। तो डायरेक्ट आप हम क्या करेंगे कि मैग्नेट कोयल का जो यहाँ पे सॉकेट होता है, इस सॉकेट को खोल के यहाँ से हम चेक करेंगे। यहाँ से ब्लू वाला जो वायर होता है, दो ब्लू और वाइट कलर का दो वायर निकलता है मैग्नेट कोयल से, दोनों को हमें इस तरीके से शॉर्ट करना होता है। हम डायरेक्ट ए सिंगल वायर का अगर चेक करते हैं तो वो पता नहीं चलेगा, दोनों ब्लू वाले वायर में ही हम इसी तरीके से शॉर्ट करेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर करंट दे रहा है, मैग्नेट कोयल से करंट दे रहा है। तो अब हमें आगे कुछ काम करना होगा। दोस्तों, इसका बैटरी चार्जिंग बिल्कुल ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ। ये जो फ्यूज वाला है, एक तार हम इसे खोल लेते हैं बाहर से, इस फ्यूज वाले को, और इसे हम बैटरी चार्जिंग भी चेक करते हैं। अगर चार्जिंग की समस्या होगी तो इसे भी दिक्कत करेगा स्टार्टिंग में। देखिए, तो चार्जिंग बिल्कुल कंप्लीट है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो अंदर से जो स्टार्टिंग कॉइल आता है, लाइटिंग कॉइल, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, यानी कि चार्जिंग ठीक दे रहा है। अगर चार्जिंग दे रहा है यहाँ से करंट, तो स्टार्टिंग लाइटिंग कॉइल हमारा मैग्नेट कॉइल सही है। अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ तक इस प्लग वाले तार में करंट क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका कनेक्शन अलग है, क्योंकि इधर तो चार्जिंग के लिए काम ठीक कर रहा है। अब हमें जैसे कि हमें CDI अब चेक करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ तक करंट नहीं आ रहा होगा तो फिर हमें मेरे हिसाब से CDI ख़राब है, क्योंकि यहाँ से मैग्नेट कॉइल से तो डायरेक्ट करंट आ रहा है इधर, ठीक है। अब चार्जिंग भी ठीक दे रहा है, बैटरी चार्जिंग भी ठीक दे रहा है। अब ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें प्लग वाले तार में करंट नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट इसी को हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट आता है तभी फिर ये बोतल कॉइल सप्लाई करता है जो बाइक स्टार्ट होती है। अगर यहाँ तक करंट नहीं आएगा तो फिर CDI प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, यहाँ तक इसमें करंट नहीं आ रहा है। अगर यहाँ तक आ जाता तो फिर स्टार्ट हो जाती, क्योंकि जल्दी से ये बोतल कॉइल तो ख़राब होता नहीं है। हम दोनों को चेक कर लेते हैं। दोनों में से किसी में भी करंट नहीं बन रहा है। चलिए, अब आगे देखते हैं आगे क्या करना होगा। इंजन से जो वायरिंग आता है डायरेक्ट मैग्नेट कॉइल से, ये सादा वाला तार आता है, ठीक है। ये सादा वाला तार जो है ये इधर चार्जिंग कॉइल में गया, और चार्जिंग कॉइल से वो रिटर्न जो आता है वो आता है इस वाले तार में करंट। ये इस कत्थे वाले कलर में आएगा। देखिए, ये जो कत्था वाला कलर है इसी में वापस आएगा, और यही तार हमारा यहाँ CDI तक आया हुआ है। ये CDI तक आया हुआ है, इसमें दो कलर का है, एक ब्लू है और एक कत्था कलर है। देखिए, इसमें ब्लू और एक कत्था कलर है। तो इसमें मैं करंट जैसे चेक कर रहा हूँ तो ये करंट दे रहा है, जैसे मैं करंट चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ तक इसमें करंट आ रहा है, तो हम इससे पता चलता है कि मैग्नेट से डायरेक्ट यहाँ तक CDI में करंट आ रहा है। अब इधर से जो CDI जो वापस
स्टार्टिंग के लिए जो करंट बनाएगा, अब वो देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो इसे हम लगाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ से डायरेक्ट चेक करके दिखाया ये दोनों तार को, इस दोनों तार को, बोतल वाले कॉइल के तार को, तो यहाँ पे दोनों वायर जिस कलर का है उसी कलर के वायर को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये दोनों वायर स्टार्टिंग के लिए काम करता है। ये दोनों वायर, दो वायर जो लास्ट इधर है, ये स्टार्टिंग के लिए काम करता है। तो इसी दोनों में करंट शो करना चाहिए वापस। CDI यानी कि CDI ख़राब है, ये CDI से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ जिस कलर का वायर है मैं वही देख रहा हूँ। देखिए रेड रेड और ब्लैक, रेड ब्लैक कलर का ये वायर है, तो इसमें करंट आना चाहिए लेकिन ये करंट नहीं बना रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारा CDI ख़राब है। ये मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि इसका CDI ख़राब है। ठीक है, आप समझ चुके हैं, मैंने इसका जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। इंजन मैग्नेट कॉइल से करंट दे रहा है, इसके लिए अगर इसको चेक करना है तो डायरेक्ट इस दोनों ब्लू वाले वायर को डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर यहाँ भी नहीं देखते हैं तो डायरेक्ट आपको बैटरी चार्जिंग चेक करना है, बैटरी चार्जिंग आपका दे रहा है तो समझिए कि मैग्नेट कॉइल हमारा सही है। और अगर बाइक स्टार्ट नहीं हो, करंट नहीं बन रहा है प्लग वाले तार में, तो उसके लिए डायरेक्ट आप यहाँ पहले चेक कीजिए इस वायर को जो चार्जिंग कॉइल से आया हुआ है यहाँ CDI तक। ठीक है, तो उसमें चेक कीजिए, उसमें करंट आ रहा है और वापस करंट यहाँ तक नहीं बन रहा है तो फिर आपका CDI ख़राब है। बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।